हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तित्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, उम्मीद आप सभी फिट होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और आप सभी मुझे भी जानते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद करवाता हूं, क्योंकि याद करवाने से क्वेश्चंस निकलेंगे। और उसी कड़ी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RAS प्रीलिम्स एग्जाम 2023, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए कि सर एक रणनीति बेहतर कि हमें RAS, और मैं उसी रणनीति पे बात करने वाला हूँ क्योंकि RAS तो 2000 बनेंगे लेकिन SDM 100 बनेंगे, है ना। तो उसी रणनीति पे बात करेंगे, क्या रणनीति रह सकती है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। और कहते हैं ना कि बात टेढ़ा करने से ज़्यादा जरूरी होता है स्मार्ट वर्क किया जाए और सिलेक्शन होने का होता है, क्योंकि 1000 का होना है तो सिलेक्शन तो स्मार्ट स्टडी वालों का ही होगा। तो उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि बुक्स बता दीजिएगा, क्योंकि आप जहाँ भी प्लेटफॉर्म पर जाइएगा वहाँ आपको अलग अलग बुक्स मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली हम पाते हैं जब इस यात्रा से गुजरते हैं, क्योंकि हम मुखर्जी नगर में जब रहते थे, मेरी UPSC की जर्नी में मुझे याद है कि हमारे स्टार्टिंग में हम भी इकट्ठा करते चले गए, मटेरियल इकट्ठा करते चले गए, और अंत में दोस्तों जब मैं वापस जयपुर आया था तो मेरी हाइट के बराबर मैंने किताबें बेची थी। तो वो भी एक कारण था कि सिलेक्शन में देरी या नहीं होना, इंटरव्यू से बाहर हो जाना, तो वो सब होता है। तो अब चीज़ों से सीखना चाहिए हमको, लेकिन जो मेरा प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस का, मुखर्जी नगर का एक्सपीरियंस है, मेंस का जो भी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि 10 बुक पढ़ने से बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन ज़्यादा ईजी होता है। वैसे मेरे स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं याद करवाता हूँ, फिर भी तसल्ली के लिए मैं सारी ही रणनीति पर आज बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक और बात करने वाला हूँ दोस्तों, कई सारे बच्चों का ये भी मैसेज था कि सर आज जब आपने ऑफर दिया था GK याद कराने वाला गारंटी बेच का, उस समय हम टेलीग्राम पे देख नहीं पाए, लेट देखे, वो ऑफर वापस दे सकते हो क्या। उन सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उस मूल्य पे मैंने उस दिन भी कहा था कि ये ऑफर मैं ना तो मुझे देना आता है ना मैं दे पाऊंगा, इतवार ये सोमवार मंगलवार ईद जुला मुझे नहीं आता है, मुझे सिर्फ एक काम आता है याद करवाना। फिर भी रिक्वेस्ट है, तो मैं वैसे तो कूपन कोड का कोई झंझट रखता नहीं हूँ, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट पे दोस्तों आज मैंने वापस देख लीजिएगा आप जो GK याद गारंटी पेज हमने लॉन्च किया था, ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी है, टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर जो अपना है उसका लिंक भी है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। तो आज मैंने आपके लिए, फिर कह रहा हूँ मैं, जो उस दिन मूल्य था उस लेवल पे तो कभी नहीं आएगा, और जो आज मूल्य है उस लेवल पे भी एग्जाम एम्पायर कभी नहीं आएगा, इसलिए आज आखिरी मौका समझ लेना। मैंने कुछ रेट कम कर दिए हैं, क्यों नहीं कर रहा आप सभी को पता है, क्योंकि क्वालिटी है, सारा कंटेंट है, ऑथेंटिक बुक से है, ऊपर से याद करवाता हूँ, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, सारे सब्जेक्ट मैं ही करवा रहा हूँ, टीचर होने को बहुत सारे हैं लेकिन मैं याद करवाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको याद करवाऊँ। तो उसी लिए मैंने दोस्तों व्याख्याता फर्स्ट पेपर जो है उसका 970 रुपये जो था उसको मैंने 790 रुपये कर दिया है, मतलब 180 रुपये इसमें कम हो गए हैं। आज RPSC जो RAS प्रीलिम्स एग्जाम 2023 जो है, और सब इंस्पेक्टर की कोई तैयारी कर रहा है वो भी, तो ये ज्वाइन कर सकते हो, GK के सभी विषय होंगे, क्या क्या मैं आगे बताऊंगा एक्सप्लेन डिटेल में। तो इसको भी दोस्तों 970 का था ये लिखा हुआ, यही मिलेगा आपको, लेकिन जो पे करना आपको, क्योंकि मुझे नहीं आता वो कूपन कोड देना, GST कोई झंझट नहीं दोस्तों, सीधा ये पे करना आपको 790 रुपये, तो ये डिस्काउंट है 180 रुपये का, आज इस पे आप ले सकते हो। इसके बाद रिट वाले हमारे प्यारे बच्चे जिनके लिए 800 से आज मैंने 700 कर दिया है, और ये मूल्य कभी नहीं होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। और अदर भर्ती जो है दोस्तों, देखिएगा, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, संगणक हुआ, है ना, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हुआ, किसी भी प्रकार का जिसमें केवल राजस्थान जी के आता है, उसके लिए 499 का ये बेच है, ये ज्वाइन कर सकते हो, ये भारी ऑफर में है, ये 800-900 रुपये का हो जाएगा, और ये बाकी के तो 1000 से कम आपको कभी मिलेंगे नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा वैकेंसी आएगा तब लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी हो, मैं फिर कह देता हूँ एग्जाम एम्पायर भारी डिमांड में है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं इस मूल्य में। जैसे आज 500, पहले मैंने 500 बोला था और मैंने 2 दिन तक बोला था कि ले लो, मेरे पुराने जो भी ऑडियंस से जुड़े हुए जो बच्चे स्टूडेंट हैं, मैंने कहा था कि ले लो, मौका नहीं आएगा। आज फिर कह रहा हूँ ये मूल्य कभी नहीं आएगा, इससे ऊपर ही रहेगा, है ना, इससे हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। ऑफर दे दूंगा मैं 5000 करके, फिर 50% करके 2500 कर दूंगा, तो 2500 इससे तो ऊपर ही रहने वाला है, और ऐसा ही होने वाला है। हालांकि मैं इतना कभी नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना आता कि 20000 करके फिर 120% ऑफर करके 2000 कर दे, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ये मूल्य कभी नहीं आने वाला है, 1000 से कम कभी नहीं आएगा। तो आज ही आखिरी मौका, कब तक है दोस्तों, 14 जुलाई, आज 13 हो गया, कल शाम को रात 12 बजे तक सभी बेच का मूल्य 500 रुपये बढ़ जाएगा दोस्तों, लगभग 500 रुपये तक बढ़ जाएगा, हो सकता है RAS वाले का, फर्स्ट ग्रेड रिट वाले का ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है।
और कूपन कोड का कोई झंझट नहीं है, कई जगह होता है कूपन कोड लगाना होता है तब ऑफर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सेटिंग में जाके इन सबका कम कर दिया है और जैसे ही रात के 12 बजेंगे शायद इनका 1000+ हो जाएगा सबका, मैं फिर कह रहा हूँ। क्योंकि आज मैं ऑफर देता तो 500 पे ले आता, लेकिन नहीं लाना मुझे, है ना, क्योंकि फिर आप वैल्यू भी नहीं करोगे। हालांकि वैल्यू मेरी तो करनी पड़ेगी कि याद करवाता हूँ, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। और कंटेंट में दम है, बड़ी बात तो ये है कि याद करवाता हूँ तो सारी आपकी मेहनत की। हाँ, तो ज्वाइन कर लो और याद कर लो, सीधी सी बात है। और बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये मैंने किया, जैसा कि मैंने बताया आज आखिरी मौका है, जो भी है जो बच गया है वो ज्वाइन कर सकता है आज एग्जाम एम्पायर अपना ऐप, आपको पता ही है। और मैं फिर कह देता हूँ कि नई ऑडियंस, पुराने वालों को तो पता है, जब भी वो पढ़ेंगे, वैकेंसी आने पर पढ़े, कभी भी पढ़े, अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो मेरे पास जो पढ़ लिया वो तो आप सभी को पता है कि कहीं जाएगा नहीं, वापस इधर ही आना है। अब बात करते हैं हम, तो जैसे मैम खनिज चित्रकला सारे याद किए हैं, वैसे मेवाड़ का इतिहास 3 क्लास हो गई है, अभी शाम को चौथी क्लास डाल दी जाएगी, लगभग कुंभा तक कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा हो रहा है आप सभी को पता है ना, मतलब अमीर ने जब वापस स्थापना करी तो क्या कहा सानिया, ऐप वालों को तो पता ही है। और मैं फिर कह देता हूँ, आप यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हो तो भी बाकी दुनिया से आगे हो, और ऐप पर जुड़ जाते हो तो सबसे आगे हो ही जाते हो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एग्जाम एम्पायर वालों के बीच रह जाएगा, क्योंकि यहाँ याद ही होता है, ठीक है ना। और वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरा कंपटीशन खुद से है, मैं बेहतर कहानी से याद करवाने की कोशिश करता हूँ, ट्रिक्स नहीं चलती है, कहानी से याद करवाता हूँ, क्योंकि कहानी भुलाई नहीं जाती। अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पे, जो मुझे प्रमोशन करना था कर दिया, ठीक है, किसी को रास आएगा किसी को नहीं भी आएगा, लेकिन देखिएगा दोस्तों, एक बाकी आप जो मुझे जानता है उनको पता है, ठीक है। क्योंकि रखने को मेरा जो कोर्स है याद कराने वाला, अगर मैं 50,000 भी रखूँ, 10,000 भी रखूँ, 5,000 भी रखूँ, तो जिनको याद करना है वो देंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि आज आखिरी मौका है, इसके बाद 1000+ में ही आपको मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि 4-5-10 हज़ार हो जाए। हाँ, भारी डिमांड बढ़ जाए तो 3-4-5 हज़ार तक हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेवल तक जाना है। राजस्थान जीके, अब देखिएगा क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें, तो आराम से समझिएगा। सिलेबस आप सभी को पता है, टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पे मैंने डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो दोनों प्री और मेंस का। फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट वाइज आपके लिए, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल पूरे पेपर में, प्रीलिम्स में, ये जो 200 मार्क्स के होते हैं, ध्यान रखना। और कट ऑफ कितना रहता है तो आपको बता दूं, मान के चलना 50% कट ऑफ हाईएस्ट, ठीक है। हालांकि लास्ट टाइम जनरल का 84 रहा था, 85 रहा था, और इसी इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम एम्पायर आ गया है तो कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा, क्योंकि याद कर रहे हैं। तो 50% मान लेते हैं, मतलब 200 में से 100 नंबर जो लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 50% मान के चलते हैं, एक मोटा मोटा मान सकते हैं ना, हम कुछ कोई डेफिनेटली बता देगा और 85% ही करना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं राजस्थान जीके का। एक बात और बता दो मैं इस पर आने से पहले, किताबें जो भी सारा है, मेरे जो स्टूडेंट ऑलरेडी रिट के हैं या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी आरएएस का फॉर्म लगा देना, तैयारी शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिट का वैकेंसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उससे पहले अगर आपके पड़ोसियों को रिश्तेदारों के मुंह पे तमाचा मारना है तो कम से कम आरएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, और वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि आरएएस के एग्जाम से पहले हम सारा ही जीके याद कर लेंगे, और याद कर लिया तो आराम से निकल जाएगा। तो जो भी है, सपने बड़े देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर बड़े सपने देखोगे तो कुछ तो पूरे होंगे, अगर छोटे ही देखोगे उनका भी आधा हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ, है ना। तो सपने हमेशा बड़ा देखो, आरएएस का तैयारी शुरू कर दो। ये इसलिए भी जरूरी है कि एक तो सपने बड़े देखो, और दूसरा इसलिए भी जरूरी है कि अगर पड़ोसियों के मुंह पे तमाचा मारना है, आप आरएएस प्री क्वालिफाई करके देखो, भाई साहब उनका नजरिया बदल जाएगा कि भाई साहब ये तो लड़की एसडीएम बन जाएगी। हालांकि ज्योति मौर्या जैसे मना करना ना, हालांकि वो कहानी उनका अलग ही है, जो भी है अपन उनमें नहीं पढ़ना चाहते, ये तो हमारा मीडिया है कि उनको ज्योति मौर्या दिखाई देती है, सीमा जो पाकिस्तान से लड़कियाँ ये वो दिखाई देती है, बाकी बेरोजगारी, बाढ़, भूखमरी, गरीबी, बलात्कार जैसे मुद्दे कहीं गायब हो जाते हैं, तो हमारा मीडिया है, जो देखना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं, है ना। ये है थोड़ा सा, तो मीडिया की प्रॉब्लम भी नहीं है, वो लोगों की प्रॉब्लम है कि लोग देखना ही वैसा चाहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, तो कह दे रहा हूँ मैं, मेरी ऑडियंस जो मुझसे प्यार करता है, मुझ पर ट्रस्ट करता है, ये 770 रुपये का, 90 रुपये का जो कोर्स है आरएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाऊंगा, गारंटी है, गारंटी, याद कराने की गारंटी नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने की गारंटी है। और उसके बाद मैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंस का शुरू कर देंगे, ठीक है, जिनका हो जाएगा उनके साथ, और सभी का होना है जो मेरे से जुड़ गया तो, ठीक है। अब राजस्थान जीके आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जीके में सभी आ जाते हैं, मतलब ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो ये जो सेक्शन है देखिएगा दोस्तों, बड़ी खूबसूरती देखिए आरएएस के एग्जाम की, बहुत ईजी है निकलवाना और मैं ही निकलवा दूंगा। ये एक सेक्शन में से 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, और हम मान लेते हैं कि 50% कट ऑफ रहता है, मतलब 75 क्वेश्चन जो कर देगा उसका क्वालिफाई हो जाएगा,
50 से 60 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस तो मैं सीधा सीधा यहाँ से दिला ही रहा हूँ आपको, बचा ही क्या है फिर, है ना। बाकी सारे पढ़ाऊंगा मैं, देखना क्या क्या याद करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 50-60 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे 150 में से। और इसके लिए बुक्स अब बहुत जरूरी होता है। वैसे तो मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूँ, एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो भी रेफरेंस बुक है उन सबका निचोड़, उन सबका शॉर्ट नोट्स बना करके ही मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी कहेगी दिल की तसल्ली के लिए, हमें पढ़ने की आदत है, हमें सर पे विश्वास नहीं है, या कुछ और जो भी मजबूरी हो आपकी पढ़ना है, उस लिए किताब बता रहा हूँ। मेरी ऑडियंस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ सारी ही किताबों का निचोड़। अभी मैं बताऊँ आपको, देखिएगा ये सारी ही किताबें, देखिएगा ये सारी ही किताबें जो है, ये भी बताऊँगा एक एक करके, है ना। तो ये चीज़ें आपको अगर लानी है तो भी आपको, ठीक है। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो लक्ष्य क्या, अगर दोस्तों लक्ष्य का आर एस प्री के लिए दोस्तों लक्ष्य नहीं लाना है। लक्ष्य की दो वॉल्यूम होती है इस प्रकार से दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम, ये 18 का वॉल्यूम है, ओल्ड एंड नया लेटेस्ट लाना आपको। जो फुल वॉल्यूम हो वो लेके आना है, मतलब क्या कोई लिखा हुआ नहीं कि ये टीचर की है या आर एस की, वो नहीं, क्योंकि उनमें सारे सब्जेक्ट दे देते हैं, वो कचरा हो जाता है। जो पर्टिकुलरली जो है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो है, उनमें सारा जो है वो लेके आना आपको, ठीक है। उसके साथ अगर ये भी नहीं आपको, तो सबसे बेस्ट बुक है पैनोरमा दोस्तों, ये पैनोरमा देख लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान पैनोरमा, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दो होती है इसकी। ये भी आपको अपडेटेड लेटेस्ट लेके आना, लेकिन मैं बता देता हूँ इस टाइप से होगी ये किताब है पैनोरमा, ये आपको ले आना है। इनमें से आप दोनों नहीं लाना है, या तो लक्ष्य ले आना अगर आपके पास ऑलरेडी है तो लाने की जरूरत नहीं है, या फिर पैनोरमा ले आना। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, लक्ष्य और पैनोरमा, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें जो है उनका निचोड़ मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो लक्ष्य है, पैनोरमा है, इनमें से कोई एक ला सकते हो आप अगर तसल्ली, दिल की तसल्ली के लिए। उसके साथ ही सिकवाल की मानचित्रावली आप ला सकते हो, ठीक है, मानचित्रावली, सिर्फ सिकवाल की और किताब नहीं, सिर्फ मानचित्रावली ला सकते हो। इसके साथ ही जैन और माली जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है आर्ट एंड कल्चर की, वो ला सकते हो, नहीं लाते हो तो भी चलेगा। और हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है वो भी अच्छी है, वो ला सकते हो। बाकी एनसीईआरटी जो है वो तो मस्ट है ही है, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, ये बात है। अब सर इतनी किताबें लाएं क्या भाई, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, अगर आपको लाना ही है तो लक्ष्य और पैनोरमा में से कोई एक ले आना, सारी कवर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैनोरमा ही ले आना मैं तो कहूँगा, मैं सारा एक एकदम एक आरएस वालों के लिए ग्रंथ हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है भारत का इतिहास, भारत के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं 10 से 15। ऊपर वाला सेक्शन तो पूरा मैं करवा ही रहा हूँ दोस्तों, ये इतनी मोटी किताब जो पैनोरमा की है, राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था, ये देख लीजिएगा, ये किताब मैं आपको पूरी याद करवाने वाला हूँ, रट्टा मरवाने वाला हूँ। इसी के साथ ये जो आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला, संस्कृति की बुक है इतनी मोटी, इसका भी मैं रट्टा मरवाने वाला हूँ अगले 10-15 दिन में, ठीक है, जो हमारी कड़ी चल रही है उसी श्रृंखला में। इसी के साथ भारत का इतिहास जो दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। और भारत के इतिहास की जो रामबाण किताब हम कह सकते हैं, वो आप सभी को पता है आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ना भारत के इतिहास में आधुनिक ही पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी करनी है, बातड़ा नहीं करना है। ये दोस्तों भारत का इतिहास की जो राजीव अहिर की किताब है, स्पेक्ट्रम जो किताब है, बेस्ट है, घिस चुकी है पूरी पढ़ पढ़ के, है ना, पूरी ऐसे ही याद कर रखी है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों स्पेक्ट्रम है राजीव अहिर की, ये आप ला सकते हो, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ने में भी मजा आता है, लिखा हुआ भी क्रम से है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात आती है दोस्तों भूगोल, मतलब ज्योग्राफी, भारत और वर्ल्ड का, तो राजस्थान का तो ऊपर करवा दिया, ये इसमें आ जाएगा ना पैनोरमा में, है ना। इसके साथ भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, भारत और, इसके लिए 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको अच्छी बात यह है कि मैं याद करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर के तीनों सेक्शन में याद करवा रहा हूँ, इसका मतलब 15-15 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन काम ही हो गया तुम्हारा, इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म लगा देना। तो भूगोल है 10 से 15 क्वेश्चन है, महेश बर्नवाल, आपने नाम तो सुना ही होगा, बस वही ले आना, या उससे भी बड़ी आपको लानी है तो माजे दुशेल ले आना, तो दोनों में से कोई एक ले आना। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो पैनिक नहीं होना है, पैसे खर्च नहीं करना है, ये सब मेरे पास पड़ी है देख लीजिएगा, और मैं इन्हीं में से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये महेश बर्नवाल वाली किताब है, ऐसी दिखती है, शक्ल देख लीजिएगा इसकी, अगर किसी को लाना है तो। बाकी मैं तो कहूँगा कि कुछ नहीं लाना आपको, मज़े करो, वीडियो देखो, हंस हंस के याद करो। तो ये था, ये माजिद हुसैन है। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी का, पॉलिटी का ग्रंथ आप सभी को पता है, एक ही रामबाण ग्रंथ है, कौन सा, राजस्थान का पॉलिटी, तो ऊपर पैनोरमा से हो ही जाएगा, अलग से हो जाएगा। बाकी जो है वो लक्ष्मीकांत जो है इंडिया पॉलिटी के लिए फट चुकी है एकदम से, है ना, तो पढ़ पढ़ के घिस चुकी है, 7-8 बार रिविजन इसमें अलग अलग पेज से हो चुका है, ये इतना मोटा ग्रंथ है। और आप पॉलिटी का तो आपको पता ही है मैं कैसा साधारण भाषा में करवाता हूँ, तो पॉलिटी में एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा आपका, ये मैं याद करवाऊंगा आपको, जस्ट राजस्थान मेवाड़ इतिहास हो जाएगा, उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा पॉलिटी। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी का वेटेज बढ़ भी सकता है, अचानक से बढ़ सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन तो मान लेते हैं, 20 क्वेश्चंस तक भी दे दे, टोटल दोनों पॉलिटी मिला के 30 क्वेश्चन भी चला जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो कि इंटरलिंक होते हैं और वैसे ही पढ़ा जाता है उसको। मैंने पढ़ाने का आपको तरीका बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साथ साथ पढ़े जाते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति साथ साथ, संसद विधानमंडल साथ साथ, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है ना आपस में, तो वो साथ साथ पढ़ने होते हैं, जबकि किताब में ऐसा नहीं लिखा होता है। जो मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना है, वैसे ही मैंने पढ़ाया है और आगे भी हम एप पर वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चंस तो एम लक्ष्मीकांत ये होगी। इसके बाद आती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हालांकि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा हूँ कहीं आप टर्मिनोलॉजी में उलझ जाओ कि हमें तो कॉन्सेप्ट ही समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझने के चक्कर में 3 साल लग जाएंगे, 3 एग्जाम हो जाएंगे आरएस के, कुछ नहीं होना जाना। इकोनॉमिक्स जो है वो मैन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आती है, जैसे बजट हुआ, आर्थिक समीक्षा हुआ, उनसे आता है। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बता दूं, आर्थिक समीक्षा के 2-3 लेक्चर मैंने बनाए भी हैं, आपको पता है, याद करवाया मैंने, उसी अंदाज में मैं सारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको याद करवाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन धुआं धुआं हो गया, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन, ये 5 से 10 कम आपको लग रहा होगा, कम बताया सर ने, 5 से 10 क्वेश्चन ट्रेडिशनल टाइप के मान सकते हैं, बाकी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आर्थिक समीक्षा और बजट से मिला के 10 से 15 क्वेश्चन, तो ये भी उसमें जोड़ लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दिया जाए तो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, वो क्यों? क्योंकि वो करंट बेस्ड होता है, आर्थिक समीक्षा बेस्ड होता है, और अब सरकार जा रही जाते जाते अपनी योजनाओं का बगान कर सकती है, तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो मैं याद करूंगा। फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर्स को कितना टाइम दे रहा है, कहाँ से पढ़नी है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये है आर्थिक समीक्षा, और यहाँ से तो इसके लिए कोई बुक है नहीं, फिर भी आप कहोगे सर नहीं हमें तो पढ़ना ही है, तो ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हो हल्की फुल्की, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, हालांकि रमेश सिंह आती है, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, वो इंडिया इकोनॉमी का आता है रमेश सिंह करके, तो वो भी अच्छी किताब है, लेकिन वो डीप में है, बहुत ज़्यादा वाइड है, यूपीएससी वाले प्रेफर करते हैं, तो इसलिए हालांकि तुम्हारा कंपटीशन फिर कह रहा हूँ यूपीएससी वालों से ही है, जो मुखर्जी नगर में पुराने पापी लोग बैठे हैं हमारे साथ के, उनसे आपका कंपटीशन है। और अच्छी बात यह है कि आपके साथ मैं हूँ तो याद करवा रहा हूँ, वो याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिएगा साइंस की बात करते हैं, तो साइंस के लिए दोस्तों अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया जो बुक आती है वो आप रिफर कर सकते हैं। हालांकि साइंस का जो सेक्शन है वो भी आजकल करंट अफेयर्स बेस्ड आने वाला है, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, वैसा कोई मिसाइल्स है, नई अपडेट हुई है, क्या क्या हुआ है, तो करंट बेस्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह है, क्या उनका साल्ट क्या है, ये चीज़ें आती है, तो ये भी मैं कोशिश करूँगा करवाने की। ऊपर का सारा सेक्शन तो मैंने करवा ही दिया, साइंस अगर टाइम मिला तो मैं करवाऊँगा, बाकी पिछेत्र क्वेश्चन तो छोड़ने ही है ना। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देखिएगा। मैथ्स अगर किसी का, ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कि अगर आपको मैथ्स नहीं भी आती है तो भी आप आरएस बन सकते हो, सबसे अच्छी बात ये है। रीजनिंग तो आपको आती है, हल्की फुल्की रीजनिंग पूछेगा, 2 से 4, ये मुर्गी की नाड़ी इधर गर्दन इधर लिया, फलाना डिंग करना, 4 गड़े से घूम के गया, ये से वैसे कितने टाइम में पूछा, कितनी दूर गए, ये चीज़ें आती है, गोली दिखा देगा, आंख बंद करवा के पूछेगा, जो भी पूछे आपको रीजनिंग तो आपको आई जाएगी। 10-15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5-10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, मैथमेटिक्स छोड़ देना है जिसका अच्छा नहीं है। फिर कह रहा हूँ अगर आप सारे साल पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, फिर भी मैथ्स में आपके 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या फ़ायदा है ना। मैथ्स को मतलब एकमात्र राजस्थान का एग्जाम हम कह सकते हैं जहाँ मैथ्स भी नहीं आती फिर भी आप कलेक्टर बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब आता है करंट अफेयर्स का सेक्शन, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले ज्योग्राफी के लिए आपको एटलस भी लाना है, ठीक है। ये एटलस स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड का ले सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम इंटरनेशनल ज्योग्राफी देखते हैं। इसके बाद ये आरएस अग्रवाल रीजनिंग मैथ के लिए, हालांकि मेरे पास इंग्लिश का है, आप हिंदी का ला सकते हो, बहुत मोटी किताब, इसलिए कह रहा हूँ छोड़ो, रीजनिंग तो ऐसे ही आ जाएगी, मैथ आपको करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, सिलेक्शन लेना है। इसी के साथ ही मेंस के लिए ये नितिन संघानी का किताब आता है, भारत का कला एवं संस्कृति, ये भी आपको अभी नहीं लेना है और ये मैं करवा ही दूंगा, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये बायरेक्ट, ये भी फट चुका है पढ़ पढ़ के, ठीक है, ये बायरेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो देख किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें सारे आर्टिकल्स होते हैं, आप व्याख्या सहित इसमें देख सकते हो, तो ये हर किसी आरएएस या एसआई की तैयारी करने वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ होना चाहिए ये बायरेक्ट, ठीक है, भारत का संविधान का, ये ऐसा दिखता है, देख लेना, और बाकी पब्लिकेशन का भी आता है, जो भी तुम्हें ठीक लगे मिल जाए टाइम पे वो ले लेना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, सबसे मोटा मोटा सेक्शन तो यही है, क्योंकि आजकल जैसे दोस्तों ट्रेंड है, जैसे यूपीएससी में तो प्री और मेंस में हम बात करें तो प्री में लगभग 30% 40% तक करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया है, और मेंस की बात करें तो मेंस में तो सारे क्वेश्चंस लगभग अगर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी को छोड़ दे तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं, मतलब 50% मेंस का मान लेते हैं, और इंटरव्यू में तो पूरा ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पूछा जाता है। तो निश्चित बात है कि करंट अफेयर्स पे आपको लगातार नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कोई भी न्यूज़पेपर डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, वहाँ हेडपम्प उखड़ा, वो लुगाई लेके भाग गया, हेडपम्प चोरी हो गया, उखाड़ दिया, ATM तोड़ दिया, ऐसी खबरें ही आती है हमारे अखबारों में, क्योंकि हमें वही पसंद है। मेन तो वही है ना, डिमांड क्या है ना, डिमांड की वजह से। अब जैसे याद, जो जीके याद जिनको नहीं हो रहा है, वो एग्जाम एम्पायर की डिमांड कर रहे हैं, तो जो डिमांड कर रहा है तो फिर रेट बढ़ेगा, सीधा सवाल है। पेट्रोल इंडिया मंगाता है, पेट्रोल की प्राइस हाई क्यों होती है? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, तो सीधी सी बात है। तो वही बात है, जो डिमांड लोग करते हैं न्यूज़पेपर वाले वैसे ही छाप देते हैं। तो न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है क्या करना आपको, जैसे करंट अफेयर्स, अब डेली 1 घंटा भी नहीं पढ़ना है। कोई कोचिंग वाले सुबह 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, शाम को 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, 3 घंटे करंट अफेयर्स, बताओ भाई 3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ के भी वही नंबर आने हैं। और अगर आप अंत में जो वार्षिकांक आता है वो पढ़ लो, समराइज जो भी चीज होती है वो पढ़ लो, उससे भी आपका उतना मार्क्स बन जाएगा, वही होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर ये 3 घंटे ना पढ़ के इनमें से आप 3 घंटे साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर को, हिस्ट्री को देते हो, तो यहाँ पे आपके पास स्कोप है 10-20 क्वेश्चन बढ़ जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स वैसे तो क्रोनोलॉजी है, मूमल है राजस्थान के लिए, क्रोनोलॉजी है इंडिया का, उनसे भी एक कदम आगे बढ़ना होगा आपको। और वो मैं जो फॉलो करता हूँ इनसाइट और विजन IAS का, दृष्टि का, वो आपको उसका निचोड़ मैं आपको दे दूंगा, तो आपको पढ़ना नहीं है, हालांकि आप फॉलो कर सकते हो। विजन IAS सबसे बेस्ट है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये RAS एग्जाम है, मेंस में भी क्वेश्चन फंसेंगे, प्री में भी फंसेंगे। विजन IAS इंटरनेशनल लेवल का दिखाता है, और आजकल ट्रेंड है कुछ कुछ, जैसे हमने UPPCS देखा, राजस्थान PCS देखा, वो थोड़ा थोड़ा UPSC को टच करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कर नहीं पा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। तो हम सीधा विजन IAS फॉलो करते हैं, हालांकि राजस्थान के लिए आपको मूमल और क्रोनोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा, वो भी वार्षिकांक पे, डेली डेली का नहीं पढ़ना है। कोई को डेली डेली लगा पड़ा है कि 1 घंटे करंट अफेयर्स की क्लास लेना ही लेना है, इससे बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, जो डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, नए नए कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, वो फंसे हुए हैं, ज़्यादा लाइव देख करके पता नहीं क्या क्या देखते हैं वो। तो वो है जो परिपक्व हो गया, पुराना पापी हो गया, वो कभी भी डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता है। हाँ, न्यूज़पेपर थोड़ा अच्छा वाला देख लेता है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो भी है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो एक बार देख लेते हैं, वो अब यहाँ राजस्थान में तो कम ही अवेलेबल हो पाता है, मुखर्जी नगर वाले ये देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी मैं कह दूं, मुखर्जी नगर वाले या जो अच्छे जो RAS की तैयारी करते करते पुराना पापी हो गए, वो ये जो YouTube पे 1.5-1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास लाइव चलती है करंट अफेयर्स की डेली, सेम चीज़ें रिपीट होती है, वो कभी नहीं देखते हैं ना, वही एक मैच्योरिटी वही झलकता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बच्चों का तो वैसे ही नहीं होता। तो आप बच्चे नहीं बनो, सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, बताते जाऊंगा क्लासेस में, बच्चा नहीं बनना आपको, पहले टाइम में सिलेक्शन ले लेना है। और प्रीलिम्स की तो गारंटी मैं दे ही रहा हूँ, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम उसके बाद करेंगे। तो मोटा मोटा बात क्या है, रीजनिंग मैथ के अलावा मैं अगर साइंस का तो करंट बेस्ट तो करवा ही दूंगा, सारे सब्जेक्ट ऊपर वाले करवाने वाला हूँ, तो आराम से आपका प्री निकल रहा है, आपको तो दिख ही गया होगा, क्योंकि 150 में से 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चन करने, 150 में से सेफ जोन में रहोगे, मतलब आधे ही करने, और आधे क्या, मैंने तो अगर 10 क्वेश्चन मैथ के छोड़ दो तो ऊपर का सारा ही करवा रहा हूँ, तो सारा करवाने से कोई आउट ऑफ सिलेबस चला भी जाता है मान लीजिएगा, क्योंकि करंट बेस्ट होता है इकोनॉमी और साइंस टेक, तो भी हमारे 100-120 क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, इतना मुझे उम्मीद है। तो आप, हालांकि इसके मेंस में तो नंबर जुड़ते नहीं है, फाइनल में तो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, हो ही जाओगे, और आप देख लीजिएगा आपका कितना नाम होने वाला है, क्योंकि रिट में 50,000 में फाइनल सिलेक्शन में आने से कई गुना बेहतर है ऑल राजस्थान 10,000 में, 10,000 पास करेंगे प्री में, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आपने फिर भी क्वालिफाई कर लिया तो पड़ोसियों के रिश्तेदारों के थोड़ा सा नजरिया बदल जाएगा, और आप रिलैक्स होके, भले ही आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, मैं नहीं कह रहा फाइनल हो ही जाएगा, RAS बनी जाओगे, हालांकि फाइनल के लिए ही करना लड़ाई, लेकिन वो चीज़ें ना कई बार पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सोचना जरूरी है। अगर आपका प्री भी क्वालिफाई हो जाता है तो भी आपके पास वक्त मिल जाता है, घर वाले विश्वास जता लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी चुप हो जाएंगे, उनके मुँह पर तमाचा मार दिया जाएगा, और आप आराम से बिना प्रेशर के जो भी आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का तैयारी है वो कंटिन्यू कर सकते हो कोई भी एग्जाम। वो फिर 1-2 साल के लिए तो चुप हो जाएंगे कि भाई साहब इसका प्री निकला हुआ है, किसी दिन फोड़ देगा, SDM बन जाएगा अपनी ले लेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए भी आपको सुकून मिल जाए थोड़ा सा, होता है ना कि थोड़ा सा एग्जाम क्वालिफाई होता है तो लोगों के मुंह पे तमाचा, तो ये मौका है, 3 महीने में एग्जाम है, उसके बाद 15-20 दिन में रिजल्ट दे भी देता है ये, जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ लोगों के मुंह पे तमाचा, और आप आराम से रिलैक्स अपनी जिंदगी जी पाओगे, फिर मेंस के लिए तो बहुत टाइम मिल जाएगा, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी मोटा मोटा, तो ये चीज़ें और भी कई सारे आपके क्वेश्चन होंगे मुझे पता है, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं देखता हूँ। इसके बाद भी अगर आप किताब लेने जा रहे हो, क्योंकि नया एडिशन, ये कुछ ओल्ड एडिशन है इनमें से, क्योंकि हम तो पुराने पापी हो गए हैं ना, तो अगर आप बुक लेने जा रहे हो, बुक में भी आप कंफ्यूज हो, स्टेशनरी पे जाके दुकान पे भी खड़े हो, बुक ले रहे हो, तो आप मुझे
एग्जाम एम्पायर ऐप पर दोस्तों मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर पब्लिक मैसेज है, कोई भी कर सकता है, पर्सनल मैसेज हो जाएगा, या इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं एम आर तेतरवाल सर एक मान चौधरी सर से, तो वहाँ पे भी लिंक टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पे है, इंस्टा का भी, वहाँ भी आप मुझे मैसेज करते हो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो, यहाँ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और भी कोई रणनीति क्या करना है आपको, कुछ पूछना है तो यहाँ भी मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी हम मेवाड़ का इतिहास कंटिन्यू हम ऐप पर कर ही रहे हैं, और वापस मैं फिर कह रहा हूँ, फिर याद दिला देता हूँ, जिस अंदाज में, हालांकि मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई थी तो उस वजह से 1.5 महीने में क्लास नहीं ले पाया, वापस मैं रिदम में आ गया हूँ, और जैसे ही मैं आ गया हूँ, जिस प्रकार रिट के टाइम मैंने आतंक मचाया था और एग्जाम एम्पायर डिमांड में आ गया था, उसी प्रकार से मारस के टाइम मैं वापस गियर बदलने वाला हूँ, वापस अचानक से हम बहुत सारे वायरल वीडियो देंगे याद कराने वाले, हालांकि कंप्लीट कोर्स तो एक पर ही होगा, याद कराने कुछ कुछ वाले वीडियो यूट्यूब पर देंगे, तभी तो डिमांड बढ़ेगी, एग्जाम एम्पायर लोगों की नजरों में जाएगा वापस फिर से, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ये जो है ऐप का जो रेट है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, मेरा कम तो आने वाला नहीं है, आज फिर से 500, उस टाइम 500 था, आज 790 है, फिर कभी ऑफर भी आएगा तो वो 1000+ ही होगा, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, देर कर रहा है तो कर लेना, 14 तारीख मतलब कल रात 12 बजे तक ऑफर है, फिर नहीं बढ़ाने वाला हूँ मैं, पहले भी मैंने ऐसे ही किया था, कुछ बच्चे बढ़ाने के बाद मैसेज कर रहे थे सर आधा घंटा और रोक लो, नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी किसी भी प्रकार का कोई मैसेज हो, ये दोस्तों ये दिखा हुआ ये मिलेगा आपको 970, लेकिन नीचे जब पे करोगे तो 790 ही आएगा, बाकी और भी किसी प्रकार की क्वेरीज हो कोर्स के रिगार्डिंग तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर पिन कर दिया है मैंने, तो वो दिखेगा कि जी की याद गारंटी पे ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर जाएं, और टेलीग्राम चैनल अपना एग्जाम एम्पायर है वहाँ भी जाके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बाकी और सारी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और ऐप तो डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है, आखिरी मौका है, चूक मत जाना, बाकी नए लोग करें या ना करें, मेरी पुरानी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि ये मूल्य आपको कभी नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए प्यार समझ लेना, ये मैंने वापस आज 180 रुपये कम कर दिए अभी बड़ी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इतने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कि अपना ऐप भी हैंग हो सकता है, फिर टेक्निकल इशू आएगा, मुझे बार बार और टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ज़्यादा कम नहीं कर सकता वरना बहुत भीड़ पड़ जाएगी, लेकिन जो मुझ पर यकीन करते हैं, पुराने बच्चे हैं, रिट के टाइम जुड़े हुए हैं, मैं याद करवाता हूँ, जो यकीन करता है और रिट जो भी एग्ज़ाम निकालना है उसके लिए आज आखिरी मौका है, तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास जो है मेवाड़ का इतिहास वो अच्छे से करने वाले हैं, शाम को क्लास डाल दी जाएगी एक और, सुबह डाल दी गई है, शाम को एक और क्लास आएगी, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, RS के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे डाल सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और न इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं याद ही करवाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।